नवीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिक्षकार सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने शुरू की हुई थी छठी पूरक पठन कविता ए सखी, जिसे आमिर खुसरो जी ने रचयित की है। इसमें नौ मुखरियां हैं। हमने पिछले भाग एक में चार मुखरिया देखी, जिसमें दो सहेलियां बैठी हैं और एक सहेली यह मुखरिया कहती है, जिसका उत्तर सिर्फ साजन ही होता है, पति ही होता है, ऐसा भास होता है, इसलिए उसकी सखी कहती है, सहेली कहती है कि क्या सखी, ये साजन है। लेकिन गौर से देखने पर, इसका अर्थ देखने पर हमें यह पता चलता है कि इसका उत्तर साजन नहीं होता, कोई और होता। जैसे हमने पहले मुखरी में देखा तारा, दूसरे में देखा ढोल, तीसरे में देखा लोटा और चौथे में मक्खी। इस तरह की यह मुखरियां आमिर खुसरो जी ने लिखी हुई थी, जो लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक भाग होता है। और यह मनोरंजन के साथ साथ सामने वाले की बुद्धि चातुर्य की परीक्षा भी लेने की एक शैली, एक माध्यम इन पहलुओं का द्वारे हमें मिलती है। तो नौ मुखरियां हैं, उसमें से चार हो गई। आगे की मुखरियां हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ही मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी कॉपियां निकालिए, जो नवीनतम शब्द है, जिसे हम कठिन शब्द भी कहेंगे, उनके अर्थ मैं बताता चला जाऊंगा, आपको लिखना है। और साथ में गौर से इस कविता, इस मुखरिया की ओर देखना है और अपनी बुद्धि चातुर्य का भी परिचय इस कविता के माध्यम से आपको लेना है। साथ में आप भी इस तरह की मुखरिया रचयित कर सकते हैं। तो देखेंगे मुखरी अगली पांचवी। देखो छात्रों, पांचवी मुखरी है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, सुरंग सुंदर रंग का, रंगीलो खुश मिजाज, अति सुरंग है रंग रंगीलो है गुणवंत बहुत चटकीलो। गुणवंत का मतलब है गुणों से संपन्न, चटकीलो चमकीले रंग का, चमचमाते रंग का। फिर एक बार पंक्ति पढ़ता हूं आपको, अति सुरंग है रंग रंगीलो है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिना कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो देखेंगे हम पर इस मुखरी का अर्थ क्या है। नायिका अपनी सहेली से कहती है कि अति सुरंग है रंग रंगीलो, वह जो है अति बहुत ही सुंदर रंग का है, साथ में वह रंग रंगीला भी है और वह बहुत गुणों से भरा हुआ है, गुणवंत है, साथ में चमकदार रंग का भी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो है गुणवंत बहुत चटकीलो, गुण से भरा हुआ है, उसका रंग चमकदार है, रंग रंगीला भी है, बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। और साथ में कहती है नायिका अपनी सखी से, राम भजन बिन कभी न सोता, साथ में भी वो राम का भजन किए बिना कभी भी नहीं सोता है, वो राम भक्त भी है, बिना राम का भजन किए वो सोता भी नहीं है। इतना कहने पर उस सखी को भ्रम होता है
अब वो नाई का से कहते, क्या वो तुम्हारा साजन है, क्या वो तुम्हारा पति है? नायिका कहती है, नहीं रे ना सकी, वो तोता है। तो वो क्या है, रंग रंगीलो बहुत गुण से संपन्न, और राम के भजन बिना कभी न सोने वाला, वो क्या है, तोता है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, अति सुरंग है रंग रंगीलो है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिना कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। तो तोते का रंग चमकदार होता है, साथ में वो गुणों से भरपूर होता है, और उसे हम अगर भजन सिखाए तो वो भजन भी गाता है, भजन गाए बिना वो सोता भी नहीं। इस तरह की यह मुखरी है जिसका उत्तर होता है तोता। आगे के मुखरे हैं, अर्ध निशाव आयो भोन सुंदरता बरने कवि को, अर्ध निशा, निशा यानी रात, अर्ध यानी आधी रात, अर्ध निशा का मतलब है आधी रात, भोन भोन का मतलब है घर मकान, बरने वर्णन करना, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। निरखत यानी देख कर, तो देखेंगे हम इसका भावार्थ। छात्रों बहुत ही सुंदर सी मुखरी यहाँ पर कवि आमिर खुसरो ने लिखी हुई है। क्या कहा है देखो इसके अंदर, अर्ध निशाव आयो, अर्ध निशा नायिका कहती है कि वह मेरे घर, भवन यानी घर, मेरे घर आधी रात को आता है। अर्ध निशा व आयो भोर, मेरे घर आधी रात को वो आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि भी कर सकता है। इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन सिर्फ कवि ही कर सकता है। निरखत ही मन भायो आनंद, उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। इस तरह का वह सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकती, सिर्फ कवि ही कर सकते हैं। इतना सुंदर है, और वह मेरे पास कब आता है, आधी रात को आता है। उसे देखते ही मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा अंग अंग सब आनंद से भर उठता है। इतना सुनने पर उस नायिका की सखी कहती है कि ये सखी, क्या वो साजन है तुम्हारा, क्या वो तुम्हारा पति है? उस पर नायिका कहते हैं कि नहीं रे ना, वो सखी चंद है, चंद यानी चंद्रमा। देखो छात्र यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चंद, चंद्रमा हमेशा कब आता है, आधी रात को ही आता है आकाश में। और ये चंद की वर्णन, सुंदरता का वर्णन हमने कई कविताओं में से कवि के मुखों से सुना है। उसे देखकर हृदय आनंदित होता है, और इस तरह की यह मुखरी बन गई, अर्ध निशा व आये भोन सुंदरता वरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। आगे की मुखरी है, शोभा सदा बड़ावन हारा अखियन से छीन होत न न्यारा। नए शब्द, कठिन शब्द देखिए, बढ़ावन बढ़ाना, न्यारा अन्य, मनोरंजन आठ पहर मेरो मनोरंजन, मन का मनोरंजन करने वाला, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन, अंजन यानी काजल। देखिए फिर एक बार यह पंक्तियां मैं दोहराता हूं, शोभा सदा बड़ावन हारा अखियन से
छीन होतन न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन के उस की साजन ना सके अंजन। इस मुखरी का अर्थ भावार्थ हम देखते हैं। देखो क्या कहा है कवि ने, शोभा सदा बड़ा वनहारा। नाई का कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, मेरी सुंदरता में बढ़ोतरी वृद्धि उससे होती है। और अखियन से छीन होता न न्यारा, वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता, जिससे मेरी शोभा बढ़ती है, जो मेरे आंखों से एक क्षण के लिए भी एक पल के लिए भी अलग नहीं होता, न्यारा नहीं होता या दूर नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, 24 घंटों के जो आठ पहर होते हैं, वो आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है, मुझे खुश रखता है। तब उसकी सखी पूछती है, क्या वह तुम्हारा साजन है, तुम्हारा पति है, जो तुम्हारे शोभा बढ़ाता है, तुम्हारे आंखों से अलग नहीं होता, आटों पर तुम्हारे साथी रहता है, ऐसा वो पति या साजन तुम्हारा है? नायिका कहते है, ना सकी, वो अंजन है, काजल है। देखो छात्रों, मुखरी बहुत ही सुंदर आपके समझ में आई होगी। अंजन यानी काजल, जो काजल या अंजन हम अपने आंखों में लगाते हैं, और जिससे क्या होता है, शोभा सदा बढ़ावनहारा, वो आपकी शोभा आपकी सुंदरता आपको बढ़ाता है। साथ में अखियन से छीन होतन न्यारा, अपने आंखों में लगाने पर वो आंखों से अलग नहीं होता, साथ में वो आठों पहर मेरे मनोरंजन, आठों पहर के आपके साथ रहता है। यहां पर भ्रम होता है साजन का, लेकिन नहीं, वह तो आंखों में लगाने वाला अंजन है, काजल है। आगे की मुखरी है, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे चीनक में ही ये की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। नए शब्द कठिन शब्दों के भावार्थ अर्थ देखो। जग संसार दुनिया जिसे हम कहते हैं, जग यानी संसार दुनिया, जासो जिसे कहे कहे कहना, नेक सज्जन, धीरज धैर्य, छिनक क्षणभर, छिनक यानी क्षणभर, ही यानी रुदय, पीर यानी पीड़ा, नीर का मतलब है जल, जिसे हम पानी कहते हैं। देखो छात्रों, इसका भावार्थ क्या है, जीवन सब जग जासो कहे, नायिका कहती है कि सब लोग, संसार के सब लोग, इस दुनिया में रहने वाले सब लोग इसे क्या कहते हैं कि यह जीवन है। जीवन सब जिस जासो कहे, यह अपना जीवन है, जिसे जीवन कहते हैं, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वा बिनु नेक न धीरज रहे, जो है वो अगर नहीं रहेगा तो हमें धीरज भी नहीं रहेगा, जिसको से जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है, हरे छनक में ही की पीर, एक क्षण के अंदर अपनी हृदय की पीड़ा
वो दूर कर देता है, जिससे ये दुनिया जीवन हमें करती है, जिससे हमारा जो अगर नहीं रहेगा तो हमें धीरज भी नहीं रहेगा। सहेली कहती है कि उसकी साजन, नायिका जी वो कहती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है, पति है? नायिका कहती है ना सकी, वो तो नीर है। देखो छात्र, आपको दिखाई देगा रहा है क्या है, जीवन सब जग जासो कहे, यह दुनिया यह संसार पूरी जग उसे क्या कहता है, जीवन कहता है। हम कहते हैं ना, पानी ही हमारा जीवन है, अगर पानी नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। वह बिन नेक न धीरज रहे, अगर वो नहीं रहा, पानी नहीं मिला तो हमारा धीरज खो जाता है। हरे छनक में ही ये की पी, हमें जब तृष्णा लगती है, प्यास लगती है, हृदय की पीड़ा बढ़ जाती है, शरीर की पीड़ा बढ़ जाती है, जो प्यास लगती है, कब जाकर पानी पी, तब पानी का एक घूंट पीने से हमारी पूरी तरह की पीड़ा, हृदय का कष्ट दूर होता है। और इसलिए वह कहती है कि वह पानी है। छात्रों, आखिरी मुखरियां हैं, बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। नए शब्द लिख कर लीजिए, सुख भूले यानी अच्छा लगा, सब फूले प्रसन्नता होना, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। सीरा यानी शीतल, पाती का मतलब है पत्र। छात्रों, इसका भावार्थ देखेंगे, बहुत ही सुंदर वर्णन कवि आमिर खुसरो ने इस आखिरी मुखरी में किया है। अब इसके लिए हम तरसते भी हैं। देखिए क्या है पाती, यानी अब पाती हमें दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि यह व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। बिन आए सभी सुख भूले, नायिका कहती है कि जब वो नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं। बिन आए सभी सुख भूले, बहुत कुछ सुख है, सब तरफ अच्छा अच्छा वातावरण है, मेरे जीवन में सुख ही सुख है, लेकिन वो नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सुख भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आए ते अंग अंग सब फूले, जब वो आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। आए थे अंग अंग सब फूले, शरीर के सब अंग पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मन मोह जाता है। सीरा भई लगावत छाती, और उसे मैं छाती से लगाती हूं, अपने सीने से लगाती हूं, तो मेरा हृदय शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। देखो छात्रों, क्या कहा है कि बिन आए सभी सुख भूले, वो अगर ना आए तो सुख भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आए तो अंग अंग सब भूले, अब वो आता है तो मुझे आनंद होता है, मेरा अंग अंग पूरी तरह पुलकित होता है, सिरा भाई लगावत छाती, और जब मैं उसे अपनी छाती से लगाती हूं तो मेरा हृदय शीतल हो जाता है। यह सुनने पर सखी नायिका से कहती है, क्यों सखी साजन, क्या वो तुम्हारा पति है? नायिका हंसती है और कहती है, ना रे, वो तो पाती है, पाती यानी पत्र। देखो छात्रों, पहला जमाना था, आदान प्रदान का कुछ भी साधन नहीं था, तो लोग
अपने प्रियजनों के पत्र पाती की राह देखते थे। और इसलिए आमिर खुसरो जी ने इसका वर्णन किया है, बिन आए सभी सुख भूले, सब कुछ सुख होते हैं, लेकिन वो अगर पत्र नहीं आता तो सुख भी अच्छे नहीं लगते। आए तो अंग अंग सब फूले, डाकिया जब डाक लेकर आता है, वो पत्र लेकर आता है, तो वह नाई का कि अंग न अंग पुलकित हो उठते, आनंदित हो उठते हैं। और जब यह पत्र हाथ में मिलता है, सिरा वही लगावत छाती, वो नाई का इस पत्र को अपनी छाती से लगाती है, तो उसका हृदय शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसलिए वह कहते कि वो साजन नहीं रे, वह पाती है, पत्र है। इस तरह की यह ऐसी हमने देखा नवमुखिया है, इसका भावार्थ तो देखा। आप और एक बार इसे गौर से सुनिए, इसका अध्ययन कीजिए। इसके नीचे दिए हुए सभी स्वाध्यायों को आपको पूरा करना है, साथ में इसमें दिए हुए व्याकरण भाग को भी आपको पूरा करना है, इसके स्वाध्याय लिखने हैं। फिर एक बार आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।